नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तेरी पश्चिमी जिला में तैनात पुलिसकर्मी अब सुपर कॉप बेल्ट से लैस हो गए हैं। मुखर्जी नगर इलाके में पहली बार पुलिसकर्मियों ने इस बेल्ट से लैस होकर गश्त किया। डीसीपी विजयंता आर्या ने बताया कि गश्त के दौरान हाथ में घंटा लिए पुलिसकर्मियों को दिक्कत होती थी, अब पुलिसकर्मियों को कई तरह के गैजेट भी दे दिए गए हैं जिसकी वजह से सब हाथ में रखना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सुपर कॉप बेल्ट पुलिसकर्मियों को दी गई है। इसमें छोटा डंडा, वायरलेस सेट, पिस्टल और ई बीट के लिए मोबाइल रखने की व्यवस्था है। इसकी वजह से पुलिसकर्मियों के दोनों हाथ खाली रहते हैं। पहले ये बेल्ट विदेशों में पुलिस को दी गई थी और इसकी उपयोगिता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को भी दे दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सबसे दिल्ली की हाईटेक पुलिस मानी जाती है। वहीं अब दिल्ली पुलिस के जवानों को तमाम अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलने से दिल्ली पुलिस के जवान भी अपने आप को काफी सशक्त और मजबूत रह बनाते जा रही है। अभी फिलहाल में दिल्ली पुलिस के सभी थानों में मल्टी यूटिलिटी बेल्ट्स दी गई हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी हमें हमारे थानों में मल्टी यूटिलिटी बेल्ट्स मुहैया करवाई गई हैं। ये जो बेल्ट्स हैं, हमारा बीट स्टाफ इनको ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल कर रहा है। इन बेल्ट्स में स्मॉल बेटन टांगने का भी जगह है और ड्यूटी के दौरान ऑपरेशनली जिस जिस तरह के गैजेट्स हमारे बीट स्टाफ को चाहिए रहते हैं, जैसे कि स्मॉल आर्म्स, और हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस में ई बिट बुक का भी इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो ई बिट बुक को भी सिक्योर करने के लिए इसमें स्पेस है। तो इसको आज की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह से पुलिसिंग बदल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, एक सिपाही को इलाके में निकलते हुए जिन जिन चीजों की जरूरत रहती है उन उन चीजों को अपने साथ ठीक से सिक्योर करने के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन सेट को सिक्योर करने के लिए ये बेल्ट काफी उपयोगी है, सहायक है और हमारा स्टाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है।